बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, प्रतिशोध का कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ जरूर कहना चाहूँगा। फिल्म मैं 4 से 5 फिल्में एक साथ डेब्यू कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बैनर पे, और प्रतिशोध फिल्म हमारी जल्दी ही शूट भी होगी और इसके बाद रिलीज भी होगी, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग यही टीम आगे भी काम करेंगे। और कौन कौन से कलाकार इसमें फाइनल हो चुके हैं? इसमें अगर हम फाइनल कलाकार की बात करें तो मिस्टर प्रदीप दुबे, प्रदीप विजय बैठे हुए हैं, गौरव हैं, और मैं खुद भी एक रोल प्ले कर रहा हूँ इसमें। इसके अलावा भी हमारे कुछ लोग फाइनल ऐसे कंडीशन में हैं जो ऑडिशन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन लोकल फतेहपुर से कई लोग हैं जिन्हें मैं इस लाइन में आगे लाऊंगा। और कुछ कहना चाहेंगे फतेहपुर के लोगों को? फतेहपुर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फतेहपुर को इंडस्ट्री से इतना लिंक करा दूँ कि फतेहपुर का नाम जैसे बनारस का आता है, पटना का आता है, उससे नहीं भी आता बहुत। फिल्म के डायरेक्टर का के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर श्री सत्यार्थ सिन्हा जी हैं, और चूँकि फिल्म नए और पुराने कॉम्बिनेशन के आधार पर है, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए था जो नए और पुराने माहौल को एक साथ दर्शा सके। उसमें श्री सत्यार्थ सिन्हा जी बिल्कुल परफेक्ट लगे, और इसीलिए ये फिल्म ये डायरेक्ट। प्रतिशोध की शूटिंग कब से शुरू की जाएगी? प्रतिशोध की शूटिंग हमारी होली के बाद शुरू होगी, और बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और कुछ खास फिल्म में गाने वाने को लेकर? फिल्म में कॉमेडी के लिए तो मैंने राहुल को लिया हुआ है, राहुल श्रीवास्तव पटना से ही है, और इसके साथ एक्शन मूवी है, लेकिन पारिवारिक भी बहुत सारी सीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। सिन्हा जी, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? जी, सबसे पहले तो मैं अपने जनपद के सभी लोगों को बधाई दे रहा हूँ, सारी मीडिया को बधाई दे रहा हूँ कि आप हम सबका उत्साह बढ़ाए। इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, अभी तक बॉम्बे के अंदर भी किसी भी कंपनी का 5 फिल्में अनाउंस नहीं की जो जैन श्रीवास्तव। यह फतेहपुर का एक सौभाग्य है, और यहाँ के कलाकारों को भटकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए इतना काम जैन जी ने यहाँ पर दे दिया है कि वो लोग अपना हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बॉम्बे जाकर जो परेशान होते हैं वो सारी परेशानियों से बच गए। फिल्म एक तो प्रतिशोध है, और 4 फिल्में कौन कौन सी है? देखिए ऐसा है, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 4। अच्छा, अभी उनके जो टाइटल सब दे दिए गए हैं, तो टाइटल जैसा कि हमारे उससे 3 महीने बाद कन्फर्म कर लिया, 3 महीने का वो समय नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3। प्रतिशोध कुछ दर्शकों को संदेश देगी फिल्म? जी, प्रतिशोध क्या है, पारिवारिक फिल्म है, और पूरा एंटरटेनमेंट के साथ साथ संदेशात्मक मूवी है, और इसमें एक्शन तो भरपूर है ही है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जैन जी जो रोल कर रहे हैं वो अपने आप में अहम है, और उनके बेटे का रोल हमारे गौरव झा जी कर रहे हैं, जो फिल्म के अंदर प्रदीप दुबे जी के साथ दोनों भाई हैं। इसमें 4 चांद लगाएंगे कि अभिनय तो सशक्त ही है। अजय निर्देशन में और कौन कौन सी फिल्में आपकी आ चुकी है? देखिए, मेरी इसके पहले ड्राइवर बाबू मेरी रिलीज हो चुकी है, रिलीज हुआ है। फिल्म का मुहूर्त का कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये फतेहपुर है, प्रतिशोध का नाम है, और इसकी शूटिंग 1-2 महीने में होगी स्टार्ट, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सत्यार्थ जी, और जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं शूटिंग कर रहा था लखनऊ में, तो वहीं पर आए थे मुलाकात के लिए, कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज़, टाइटल बहुत बढ़िया है, इन्होंने बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका बिहेवियर देख के मुझे अच्छा लगा, और इस वजह से मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। स्टोरी से लेकर हर चीज़ बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और ओवरऑल स्टोरी है, प्रोडक्शन का प्लान है, बहुत अच्छा हुआ है, डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है। फिल्म कैसा नाम है? प्रतिशोध है, तो क्या कुछ फिल्म दर्शाना चाहते हैं? वो चीज़ जो है वो तो डायरेक्टर साहब बताएंगे कि क्या आगे दिखाना चाहते हैं। हम तो एक्टर हैं, हमने जैसे ही बोलेंगे वैसे प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट करने वाले तो ये हैं, तो ये बताएंगे कि ये फिल्म का जो बेस है वो कैसा है, प्रतिशोध एक्शन फिल्म है,
टाइटल से तो एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको लग ही रहा होगा कि स्टाइलिस्ट फिल्म होगा। फतेहपुर के लोग कुछ कहना चाहते हैं? फतेहपुर मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है। रास्ते में मैं आ रहा था तो देख रहा था बहुत नेचुरल जगह है, तो बहुत ही वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा, आप लोग बहुत साफ सुथरा रखते हैं, तो ऐसे ही साफ सुथरा रखिए सिटी को, आपका जगह है तो अच्छा लगे। फिल्म के प्रोड्यूसर जयंत जी हैं, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, क्या इनका भोजपुरी में भविष्य जरा बताएं? बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिस्टम से चलते हैं, डिसिप्लिन इंसान है, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इनका टाइम टेबल मेन चीज़ होता है। कोई भी काम करते हैं आप अगर सिस्टम से नहीं करते, थैंक यू सर। प्रदीप जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ संजय, बहुत स्मार्ट लग रहा है, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज फिल्म के मुहूर्त को लेके? बहुत अच्छी बात है, आज फतेहपुर में एक बड़ी फिल्म का मुहूर्त हुआ है और सभी को धन्यवाद, फतेहपुर की जनता को धन्यवाद। और क्या इस फिल्म का आपका करेक्टर है? ये एक बहुत ही इमोशनल एक्शन पारिवारिक फिल्म है जिसमें सभी को एक्शन एक परिवार का इमोशन देखने को मिलेगा, बाप बेटे की कहानी है, कुल मिला के एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा। गौरव झा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गौरव भाई काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी फिल्में मैंने इनकी देखी है, अच्छा लगेगा उनके साथ काम करने में। फिल्म के डायरेक्टर से आपकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? बहुत अच्छे इंसान है, काफ़ी सीनियर हैं, हम तो बच्चे इनके साथ, मुझे पता है हम अच्छा काम करेंगे। फतेहपुर के प्रोड्यूसर हैं हमारा जैन जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैन सर से काफ़ी पुराना रिलेशन है 2-3 साल से और काफ़ी अच्छे इंसान है, डिसिप्लिन इंसान है, बिजनेसमैन है, तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हर काम को सोच समझ के करते हैं, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर होगा फिल्म। और कौन कौन सी आपको भोजपुरी फिल्में आ चुकी है? भोजपुरी मेरा ये पहला फिल्म है, इसके पहले मैंने काफ़ी सारी हिंदी फिल्में, वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स किए हैं, जैसे अभी मेरी एक लूडो फिल्म आ रही है दिवाली पे अनुराग बासु की, अभय टू आई थी एक वेब सीरीज, तो भोजपुरी मेरे लिए पहली बार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।